इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। फिर छोटा और बड़ा किसानों में बताया, फिर पांच स्टेट का आंदोलन बताया, फिर प्रेस ने अलग तरह की छवि बताई। उसके बाद में आज स्थिति है कि प्रेस में एक शब्द भी उस आंदोलन के बारे में प्रेस में नहीं छप रहा है। किसान हटेगा नहीं वहां से। कई लाख किसान है, करीब 20,000 से ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली के चारों तरफ को अभी है। अब सरकार का ये है कि किसान अपने खेत की गेहूं की जो कटाई करने अपने खेत जाएगा और आंदोलन खत्म हो जाएगा। गर्मी है, 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, सर्दी भी देखी गर्मी भी देखी, लेकिन किसान ने मन बना लिया कि किसान बगैर कानून वापसी के घर नहीं जाएगा। एक किसानों ने नारा वहां पे लगाया। अगली बरसात भी आएगी, आगे सर्दी भी आएगी। हमने सरकार को बताया कि नवंबर और दिसंबर तक सरकार आ सकती है बातचीत करने के लिए। 8 महीने का और आगे टाइम उनको दिया है सरकार को, उसके बाद वो आगे बढ़ जाएगा टाइम। जरूरत है कि जो साउथ के अंदर कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, आपको भी एक बार सड़कों के ऊपर निकलना पड़ेगा। निकलेंगे, ये आंदोलन की धरती है। यहां से आंदोलन शुरू हुए हैं, बेलगांव तो ये पूरा जो क्षेत्र है इसका रंग भी लाल है मिट्टी का। रानी चन्ना अम्मा ने यहां से आंदोलन शुरू करा, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू हुए। तो यहां से आपको भी आंदोलन शुरू करने पड़ेंगे। हमने एक बयान यहां पे दे दिया कि किसान ट्रैक्टर लेकर जाएगा, तो ट्रैक्टर को अगर किसान का टैंक कह दिया तो मुकदमा दर्ज। आप तो सौभाग्यशाली हो कि बेंगलोर जाने की जरूरत नहीं, आपकी विधानसभा तो यहीं आपके यहां पे है। इसको घेरो विधानसभा को, आपके बेलगांव में विधानसभा है, अपनी फसलों को बेचो। आंदोलन तो शुरू होगा कि पुलिस प्रशासन सरकार की इतनी हिम्मत के उसको परमिशन, आप एप्लीकेशन लिखोगे वो परमिशन देगा। ये साउथ के लोगों ने हालात खराब करी किसान संगठन की। अब कोई भी कहीं मीटिंग हो कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं, हम कोई परमिशन नहीं लेते, आपको सरकार परमिशन दे देगी। आप डीएम और एसडीएम के पुलिस के वहां पे आप चिट्ठी लेकर जाओगे कि हम पंचायत करेंगे, हमको परमिशन दे दो। ये पंचायतों का हाल होगा, अगर आप परमिशन मांगोगे तो आप टेंट नहीं लगा सकते, कोई परमिशन नहीं देते। हमने 35 साल में एक परमिशन सरकार से कभी नहीं दी। आप पंचायत रखो, उनके पास में सूचना पहुंच जाती है, एलआईयू है वहां पे, वे आपकी पंचायत करने देंगे तो आपका आंदोलन सक्सेसफुल होगा। वे पकड़े, उनके रहमो करम पे होंगे कि कलेक्टर परमिशन देगा तो आपका टेंट लगेगा, आपकी जमीन नहीं बिकेगी, आंदोलन आपका कमजोर है, आप जेल जाने से डरते हो। एक आंसू गैस का गोला साउथ के अंदर नहीं लगा, कहीं का आंदोलन चलाओगे? जब तक पुलिस के आंसू गैस के गोले आपके ऊपर नहीं चलेंगे, ट्रैक्टरों की आपकी भिड़ंत नहीं होगी, आप आंदोलन नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं आपके होंगे। ये हिम्मत प्रशासन की सरकार की नहीं है कि किसी भी किसान पे देश में आंसू गैस का गोला और लाठी चार्ज चला देंगे, उनका इलाज करेंगे वहां पे ही। आप यहां पे आंदोलन करो, अगर पुलिस
पुलिस प्रशासन आपके खिलाफ एक आवाज भी उठाएगा उसका इलाज दिल्ली में करेंगे। दिल्ली के चारों तरफ किसान है, वहां पर उनका इलाज करा जाएगा। आप ट्रैक्टर से चलो, अपने ट्रैक्टर को लेकर अपनी फसलों को बेचो, एमएसपी में फसलों को बेचना पड़ेगा, आपको आंदोलन करने पड़ेंगे। ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग तोड़ने पड़ेंगे, एक बार बैरिकेडिंग तोड़ोगे तो आपका आंदोलन सक्सेसफुल होगा। एक बार आपको ट्रैक्टर से आंदोलन करने पड़ेंगे। दो ट्रैक्टर बहुत कहेंगे, लालू ट्रैक्टर दो आए हमें, पुलिस प्रशासन रोक रहा के ट्रैक्टर को सील कर दिया जाएगा। ये सील तो होंगे, 15 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चला सकते। ये कानून आ गया है, दिल्ली के चारों तरफ जो एनसीआर क्षेत्र है उसमें 10 साल पुराना डीजल इंजन कोई भी ट्रैक्टर गाड़ी नहीं चल सकती। आपके यहाँ 15 साल है, जिस दिन पुलिस प्रशासन करेंगे एक भी पुलिस की सरकारी गाड़ियों का एक का भी इंश्योरेंस नहीं है, जिस दिन आप इनके कागज चेक कर लोगे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी 15 साल पुरानी है, जिस दिन एयरपोर्ट पे फ्लाइट को देखना पड़ जाएगा कि कई साल पुरानी है तो पता चल जाएगा इनको। ये आंदोलन आपको चलाने पड़ेंगे। ये साल 2021 का साल आंदोलन का साल है, आंदोलन छिड़ चुका है देश में, लड़ाई छिड़ चुकी है, शांति के पुजारी है हम, महात्मा गांधी के अनुयायी है, शांति से अपना काम चलाना जानते हैं। अगर कोई क्रांति करेगा तो इसका भी इलाज जानते हैं हम, कोई डरने की जरूरत नहीं है कहीं पे भी। ये कर्नाटक बहुत दूर है, इनकी पार्टियों की सरकार बहुत स्टेटों में है, पंजाब और हरियाणा में इनका क्या इलाज करा है, मुख्यमंत्री भी अपना हेलीकॉप्टर नहीं उतार सकता वहां पे, कोई उनकी पॉलिटिकल मीटिंग नहीं हो सकती, इनकी इतनी हिम्मत के किसानों को परमिशन नहीं देंगे, किसानों को धूप पर बैठाएंगे, आज के बाद में कोई परमिशन और आप नहीं लोगे। आप सूचना दो एलआईओ को, उनको सूचना दे दो कि हमारी मीटिंग है, कोई कागज लेने की जरूरत नहीं है, ये आपकी मीटिंग रोकते हैं तो इनको मीटिंग रोक दो। और जब तक 3 बिल वापसी नहीं होंगे, 3 जो कानून है वापसी नहीं होंगे, किसान घर वापसी नहीं जाए, क्योंकि जो कानून बना जाओ, कानून बनने से पहले देश में गोदाम बने, अनाज को रखने का सिस्टम बनाया गया, लाखों टन अनाज उसमें वे रख सकते हैं, तिजोरी में रोटी जाएगी, जो गरीब आदमी है उसकी रोटी कंपनियों की तिजोरी में बंद होगी, कंपनी भूख के आधार पर रोटियों की कीमतें तय करेगी, ये आदमी को कितनी भूख लगी है उसके आधार पर रोटियों की कीमतें तय करेगी। देश में बंधन में है बहुत लोग, आपको प्रेस की भी आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, प्रेस के ऊपर भी कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा है, आने वाला बिल उन्हीं के खिलाफ आएगा, एक खबर सेंसर बोर्ड से पास होगी, अभी प्रबली है, अभी वो कानून नहीं आया, जिस दिन कानून आ जाएगा एक खबर भी अगर जाएगी तो बोर्ड पास करेगा उसको। ये देश पे कंपनियां कब्जा करना चाहती है, किसी पार्टी की सरकार नहीं है यहाँ पे, अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो वो जरूर बात कर लेती, ये तो कंपनी की सरकार है, ये लुटेरों की सरकार है, और ये आखिरी बादशाह होगा, इन लुटेरों का आखिरी बादशाह जो सत्ता में बैठे हुए हैं, ये लुटेरे हैं, इन लुटेरों को यहां से भगाना पड़ेगा, इनके खिलाफ जंग होगी, तकड़ी जंग होगी। वे मोर्चे ले रखे हैं दिल्ली में, दिल्ली खाली नहीं करेगा, किसान अपने पक्के मकान बनाएगा,
स्ट्रक्चर के इस तरह के मकान वहां पर पड़ने शुरू हो गए जैसे ये पड़े हुए हैं। खाना बनाने की रोटियां बनाने की जो मशीन है वे वहां पर लग रही, उन्होंने बिजली काटी तो हमने उनके टोल बंद करे। वे बिजली काटते हैं, हम अपने ट्रांसफार्मर लगाएंगे वहां पर बिजली के बड़े बड़े, अपने केबिल लगा दिए वहां पे, तो वहां पर संघर्ष चल रहा है पूरा। और ढाई घंटे के अगर वहां से कॉल कर जाएगी तो ढाई घंटे में 5 लाख आदमी ढाई घंटे के इंतजार में हर टाइम दिल्ली के चारों तरफ को अपने खेत में काम करता हुआ बैठा हुआ है, अपने वो खेत में काम कर रहा। अगर दिल्ली सरकार कोई कुछ कहेगी तो 2 से 2.5 घंटे लगेंगे, 5-6 लाख आदमी दिल्ली में फिर आ जाएगा 2.5 घंटे में, अपने खेत में काम कर रहा। जब तक MSP पे कानून नहीं बनेगा, लीगल गारंटी भारत सरकार नहीं देगी, और जो बिल आ रहे हैं उन बिलों को नहीं रोका जाएगा। ये बिल 3 कानून नहीं है, इनके अलग भी बहुत और कानून आ रहे हैं। तो ये है कि ये लड़ाई आपको लंबी लड़नी पड़ेगी। आप तैयार हो, उठो, चलो और लड़ो। 8 महीने ये युद्ध आपको करना है। घर नहीं छोड़ना, अपने गांव में जाओ, एक गांव एक ट्रैक्टर 15 आदमी और 10 दिन, ये इसका फॉर्मूला है। एक ट्रैक्टर एक गांव 15 आदमी और 10 दिन, दूसरे जब 10 दिन हो जाए तो दूसरे लोगों को शिफ्ट कर दो, फिर तीसरे को शिफ्ट कर दो, तो आपका आंदोलन कभी फेल नहीं होगा। ऐसी ट्रॉली नहीं जानी, इसके ऊपर मकान बनाओ, मकान उसी में सामान रखो, खाने का सामान उसी में रखो और चलो। गर्मी में कैसे रहते हैं वो रहना सीखना पड़ेगा, सर्दी में कैसे रहते हैं वो सीखना पड़ेगा। आप दिल्ली में भी आते रहो और यहाँ पे भी अपनी रूपरेखा अपने आंदोलन शुरू करो, डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंगें करो, अपने संगठन को मजबूत करो, अपने गांव गांव में कमेटियां बनाओ, प्रेस के लोगों से संपर्क करो, सोशल मीडिया के माध्यम से अपना प्रचार करो। तो ये काम आपको करना पड़ेगा, नहीं तो जमीन न जाएगी आपकी, आपकी जमीन नहीं बचनी। कंपनी आ रही है, ये सारी जमीन ने आपकी कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से लेंगी, क्योंकि बिजली अबेटमेंट बिल है दूसरा एक कानून है। अगर किसी के पास में 2 पशु है तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। कौन गांव के लोग कॉमर्शियल कनेक्शन ले लेंगे? तो ये सारी चीजें हैं। और आज के बाद में कोई परमिशन नहीं लेना, वो मीटिंग करने दे नहीं करने दे, आदत आप डाल लो कि जहां आपने मीटिंग तय कर दी वहां पर आप मीटिंग करो। संघर्ष होगा ना, पुलिस रोक लेगी, रोकने दो। आपका आंदोलन वही होगा जहां पुलिस को रोक गया वही आपका आंदोलन हो गया। पीछे अगर रोकेगी ना पुलिस, जहां रोक कर वहीं बैठ जाओ तो आंदोलन हो गया आपका। नहीं तो हालात ये करेंगे कि अबकी बार तो रात परमिशन दी होगी उन्होंने कल, और ये कह दोगे टेंट भी लगाना कि धूप पर लोग तंग होकर चले जाएंगे। इनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है, ये नहीं परमिशन देते मत दो। आप सड़कों के ऊपर रखोगे, अपने लंगर भंडार चलाओ, वही भोजन चलाओ, टेंट के ऊपर ट्रैक्टर के ऊपर टैंक वो रखो असमाना, और वहां पे अपनी मीटिंग करो। जिस दिन जाने देंगे फिर आगे भी बढ़ो थोड़ा सा। तो ये मोर्चे आपको लगाने पड़ेंगे। तो आपने यहाँ पे बात सुनी, आए सब लोगों का धन्यवाद, जो धूप में जो पुलिस प्रशासन ने, इनके भी हाथ में नहीं, इनको ऊपर से ऑर्डर मिला है कि ये काम करना। संघर्ष एक बार बैरिकेडिंग तोड़ने पड़ेंगे। ये ट्रैक्टर ही आपका टैंक है, इसका इस्तेमाल करना सीखो। जब आप इस पर रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आपको आएगी। जिस सड़क पे है अगर पुलिस नहीं जाने देती तो वही लगा दो, उतना बैरिकेडिंग लगाए
भी लगा दो, क्योंकि रास्ता पुलिस रोक रही है, आप नहीं रोक रहे। तो आप लोग आए, आपका धन्यवाद। हम पूरे देश भर में जा रहे हैं, एमएसपी की बात कर रहे हैं, नौजवानों की बात कर रहे हैं, मिट्टी की बात कर रहे हैं कि जवान को अपनी मिट्टी से मिट्टी छोड़ना चाहिए, अपने पेड़ लगाओ, पर्यावरण उससे ठीक होगा, आंदोलन करो। इसके साथ में सब जो नौजवान हैं, जो महिलाएं हैं, उनको आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटका।